नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। 100% चांसेस रहते हैं कि इस क्लास से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और जो आज के अपने टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी और रोन्स के। और ये अपनी जो डायमंड मेंबरशिप प्रोग्राम है चल रही है, जल्दी ही आपको इसके असाइनमेंट और पीवाई के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। अभी बस वही उसी पे काम चल रहा है और अपनी 6 क्लास है जिसमें अपन पूरा सिलेबस कवर करेंगे ओडी का। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होता है तो आप @exponentialmathematics टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं और अपना एप्लीकेशन है एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स नाम से, उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी अपन जैसे टॉपिक की बात करें तो ये वाले टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए हैं, ये वाले भी कंप्लीट हो गए। अभी अपन आज बात करने जा रहे हैं ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी और कुछ प्रॉपर्टी हैं इसकी, जैसे कि रोन्स के ना उसकी बात करेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल सॉल्यूशन पढ़ लिया अपन ने, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट अपने को पढ़ना है। उसके बाद अपना टॉपिक बचता है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एंड कॉची ऑर्डर इक्वेशन। तो ये 3-4 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं तो जल्दी ये पूरा हो जाएगा। जैसे आज मैं बात करूँ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, बट उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है। जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री लिखते हैं तो उसमें अपन को पता है कि एक्स की टर्म आएगी, वाई की टर्म आएगी और डीवाई डी एक्स की पावर 1 आएगी। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल फॉर्म ऐसा है। और इसका सॉल्यूशन अगर अपन लिखते हैं तो fxy = 0 या ऐसे बोल सकते हो एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी आ जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। जैसे जैसे आप सी को चेंज करोगे ये जो फैमिली ऑफ कर्व है ये चेंज होता जाएगा। इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या है इसी फैमिली ऑफ कर्व। यहाँ पे फैमिली ऑफ कर्व आपको कैसे मिलता है, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आप इंटीग्रेट करते हैं या इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो fxy = 0, जहाँ पे सी एक वेरिएबल पैरामीटर रहता है, वेरिएबल नहीं बोल सकता पैरामीटर। जैसे जैसे सी की वैल्यू चेंज करेंगे ये फैमिली ऑफ कर्व चेंज होता जाता है। डीवाई बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट का मतलब अपन को क्या बोलते हैं, अपन उसको स्लोप बोलते हैं किसी कर्व पे। और डीवाई बाई डी एक्स निकालने का मतलब उसका क्या है, वो स्लोप है। और फैमिली ऑफ कर्व होता है कि fxy (dy/dx) = 0 को डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन अगर आप fxy = 0 लिखते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी वी गेट डिफरेंट फैमिली ऑफ कर्व, वी गेट डिफरेंट कर्व एंड सी इज क्या है, कोई पैरामीटर है। तो इतनी बात तो आपको समझ आती है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पे अपने को एक फैमिली ऑफ कर्व मिलता है और उसमें एक सी कोई पैरामीटर होता है जिसको अपन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट अपने को कर्व की इक्वेशन मिलती जाती है। तो अब अपन क्या करेंगे कि ट्रैजेक्टरी, और अपने सिलेबस में लिखा है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी में किसी कर्व को कोई कर्व दूसरा कट करे और ऑर्थोगोनल में उसको वो 90 डिग्री पे कट करे, कई बार वो सेल्फ ऑर्थोगोनल भी हो जाता है और कई बार ट्रैजेक्टरी डायरेक्ट भी हो जाता है। तो इन तीनों चारों टर्म का क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मीनिंग है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं y dy + x dx = 0, अपन ने इंटीग्रेट करा दोनों तरफ से इंटीग्रेटिंग तो क्या मिला अपने को y² + x² = c, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x² + y² = c। ये अपने को क्या मिल गई, फैमिली ऑफ कर्व। ये क्या है, फैमिली ऑफ कर्व। और इस फैमिली ऑफ कर्व की कुछ प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है, दिस इज सर्कल सेंटर विथ ओरिजन, इसका सेंटर क्या है, ओरिजन है। एक और चीज, रेडियस डिपेंड ऑन सी, रेडियस डिपेंड ऑन सी। बट एक खास प्रॉपर्टी सभी सर्किल में क्या है कि सबके सब क्या कंसेंट्रिक है, यानी कि सारे के सारे सेकेंडरी है, सबका सेंटर क्या है, ओरिजन है। जैसे सी की वैल्यू चेंज करते जाओगे सर्किल चेंज होती जाएगी। तो दिस इज फैमिली ऑफ कर्व, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन डिनोट फैमिली ऑफ कर्व, या इसका जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, फैमिली ऑफ कर्व आएगा। और एक चीज़ क्या है, अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इस कर्व के यानी कि इस सर्किल के किसी भी पॉइंट पे आप x, y और dy/dx निकालते हो तो ये सारी वैल्यू इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन की फैमिली ऑफ कर्व क्या है, x² + y² = c है। तो इसके किसी भी पॉइंट पे आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो तो वो डेरिवेटिव और पॉइंट की वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि गिवन इक्वेशन, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस डिनोट ए सर्किल हुज सेंटर इज ओरिजन एंड रेडियस डिपेंड ऑन सी एंड स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल एट द पॉइंट x, y सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है ये सर्किल की फैमिली को डिनोट करता है और सर्किल की फैमिली के किसी भी पॉइंट पे आप x, y और dy/dx निकालते हो तो ये क्या करेगा, अपनी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये तो क्या है, जनरल मीनिंग है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। और ये क्या है, फैमिली ऑफ कर्व के एग्जांपल को आप ध्यान में रख सकते हैं कि फैमिली ऑफ कर्व जैसे भी बोले तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि x² + y² = c एक फैमिली ऑफ कर्व को डिनोट करता है जिसमें आप सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट कर्व आपको मिलते जाएंगे। और डिफरेंट डिफरेंट कर्व यहाँ पे क्या है, सारे के सारे सर्कल है विद सेंटर 0 0। तो इतनी बात आपको जस्ट सिंपल मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं ट्रैजेक्टरी की। ट्रैजेक्टरी क्या होती है,
ए कार विच कट एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कार इन अकॉर्डेंस विथ सम गिवन लॉ इज कॉल्ड ए ट्रेजेक्ट्री ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कार। यानी कि आपको आपके पास कोई फैमिली ऑफ कर्व है, सपोज दैट एफ एक्स वाई सी इक्वल टू जीरो, आपके पास एक फैमिली ऑफ कर्व है। अब आप एक ऐसे कर्व को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जो कर्व इस फैमिली के हर मेंबर को क्या करे, कट करे। कैसा कट करेगा? जैसा आपको लोग गिवन होगा। ए कर्व विच कट एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व, अपने पास गिवन फैमिली ऑफ कर्व ये रहा, इसको कट करेगा, कोई भी कर्व करेगा। कैसा कट करता है? सम गिवन लॉ कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। और उस कर्व को अपन क्या बोलते हैं, वो क्या है, ट्रेजेक्ट्री है किसी गिवन फैमिली ऑफ कर्व के लिए। तो अपना यहाँ पे मेन टारगेट रहेगा, अपन फाइंड आउट करेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, यानी कि वो 90 डिग्री पे कट करेगा। अपन एक कर्व फाइंड आउट करना चाहते हैं जो कर्व क्या करता है, किसी गिवन फैमिली ऑफ कर्व को कट करेगा। यानी कि जैसे मान लो एफ एक्स वाई सी इक्वल टू जीरो, आपके पास क्या है, फैमिली ऑफ कर्व है, फैमिली ऑफ कर्व। अब आपके पास एक कोई नया कर्व आया वाई इक्वल टू जी एक्स टाइप का, आपको ये फाइंड आउट करना है। ये क्या करना चाहिए, इस फैमिली के हर मेंबर को कट करना चाहिए। कैसे कट करेगा? जैसा भी आपको लोग गिवन होगा, यहाँ पे ऑर्थोगोनल की बात करेंगे तो 90 डिग्री पे कट करेगा। कई बार क्या होता है कि ये जो कर्व होता है वो इसी में से कोई एक कर्व बन जाता है, क्योंकि एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो के पास क्या है, इन्फाइनाइट कर्व है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ सी इन्फाइनाइट कर्व है। तो कई बार ये जो अपन नया कर्व फाइंड आउट करते हैं वो इसी में से कोई एक कर्व मिल जाता है जो कि अन्य मेंबर को क्या करता है, अदर मेंबर को कट करता है। तो ये तो बात होगी किसी ट्रेजेक्ट्री की जो अन किसी गिवन फैमिली ऑफ कर्व को क्या करता है, कट करता है। अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कि इफ ए कार विच कट एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व राइट एंगल 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। वही बात है कि अगर आपके पास एफ एक्स वाई इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो को एक फैमिली ऑफ कर्व है, आपने एक नया कर्व फाइंड आउट करा जो इसको 90 डिग्री पे कट करता है, तो अपन बोलेंगे कि ये जो कर्व है वो कैसा है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है। और सेल्फ ऑर्थोगोनल बोलने का मतलब कि एफ एक्स वाई सी इक्वल टू, मान लो कोई पर्टिकुलर कर्व मैंने एफ एक्स वाई सी वन इक्वल टू जीरो ले लिया और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, और ये कर्व क्या करता है, अदर मेंबर, अदर मेंबर कौन से आगे, एफ एक्स वाई सी टू सी थ्री सी फोर सी एन जो भी ये अदर मेंबर बन गए, इन सबको वो क्या करता है, 90 डिग्री पे कट करता है। तो अपन बोलेंगे कि इस कर्व की फैमिली ऑफ कर्व, ये जो कर्व कैसा है, ऑर्थोगोनल, सेल्फ ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व बन जाएगा। तो सेल्फ ऑर्थोगोनल मतलब कि किसी भी फैमिली के कर्व में से कोई एक कर्व ऐसा ले लो जो अदर मेंबर को 90 डिग्री पे कट करे, तो उसको अपन सेल्फ ऑर्थोगोनल फैमिली बोल देंगे। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री बोलने का मतलब है कि कोई कर्व गिवन फैमिली ऑफ कर्व को 90 डिग्री पे कट करे, और सिंपल ट्रेजेक्ट्री का मीनिंग है कि कोई कर्व है वो किसी फैमिली का गिवन फैमिली ऑफ कर्व को क्या करे, कट करे। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ट्रेजेक्ट्री का क्या मीनिंग है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का क्या मीनिंग है, सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का क्या मीनिंग है। अब अपन अपना काम ये तो क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है किसी डेफिनेशन, वो आपसे डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री डेफिनेशन क्या होती है, राइट डाउन इन वन लाइन, राइट डाउन इन टू लाइन, ऐसा क्वेश्चन तो आपके आना नहीं है। आपके क्वेश्चन तो आएगा कि आप किसी गिवन फैमिली ऑफ कर्व की ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व कैसे निकालेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालेंगे, अपना क्वेश्चन तो ऐसा आएगा। तो अपने पास दो टाइप के कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट और क्या बोल सकते हैं अपन, कार्टेशियन। तो सबसे पहले अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में निकालेंगे कि इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व। कई बार क्या होता है कि आपको फैमिली ऑफ कर्व गिवन होता है और कई बार अपन डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से फैमिली ऑफ कर्व फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो पीछे की सारी बातें मैंने थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड तरीके से बताई है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ये सब जनरल मीनिंग है, बातें आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी भी स्टेप में कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें अपना डाउट। अभी अपन बात करें कि इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व, कि किसी इक्वेशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फैमिली ऑफ कर्व है उसके लिए अपन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालते हैं। तो देखो कार्टेशियन फॉर्म में क्या था, वर्किंग रूल की बात करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप की होती है, एफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। कई बार तो अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है और कई बार अपन को क्या देता है, वो फैमिली ऑफ कर्व देता है या अपन को बता देता है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फॉर सर्कल विथ ओरिजन, सेंटर इज ओरिजन। तो उसके लिए पहले अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर अपन उसके लिए क्या निकालेंगे, उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालेंगे। तो अपना वर्किंग रूल ये है कि सबसे पहले अगर उनको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है उसमें आप dy बाई dx की जगह माइनस का dx बाई dy पुट कर दो, क्योंकि आपको पता है कि दो कर्व अगर 90 डिग्री पे कट करते हैं तो उनके स्लोप में रिलेशन क्या होता है, m1 into m2 equals to minus 1, जहाँ पे m1 फर्स्ट कर्व का स्लोप है, m2 सेकंड कर्व का स्लोप है। तो अपने dy बाई dx की जगह क्या पुट कर दिया, माइनस का dx dy कर दिया। नाउ इंटीग्रेट टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन, गिव ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। कहने का मतलब सिंपल सा ये कि आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें dy बाई dx को आप माइनस का dx बाई dy पुट कर दीजिए, फिर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है उसका सॉल्यूशन किसको डिनोट करेगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री को डिनोट करेगा। तो आप जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है उसको इंटीग्रेट करिए और इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री मिलेगी। अब क्वेश्चन इसमें डिफरेंट कैसे बन सकता है, कई बार आपको वो डिफरेंशियल इक्वेशन ना देके आपको कोई फॉर्म दे देगा, उससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आती है उसका जो सॉल्यूशन आता है वो क्या बनेगा, फैमिली ऑफ कर्व बनेगा।
और जब डीवाई बाई डीएक्स को अपन माइनस का डीएक्स बाई डीवाई पुट कर देंगे और इस डिफरेंस इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ऑर्थोनॉर्मल ट्रेजेक्टरी आएगा, यानी कि ये वाले जो कर्व आएंगे वो इन कर्व को 90 डिग्री पे क्या करेंगे, कट करेंगे। सो आई होप आपको जनरल मीनिंग ऑर्थोनॉर्मल ट्रेजेक्टरी का कार्टेशियन फॉर्म में समझ आ रहा होगा। आई मीन कि कई बार आपको डिफरेंस इक्वेशन गिवन होगी तो उसमें डीवाई बाई डीएक्स को माइनस का डीएक्स बाई डीवाई पुट कीजिए और इंटीग्रेट करने के बाद आपको जो सॉल्यूशन मिलता है वो क्या है, ऑर्थोनॉर्मल ट्रेजेक्टरी है। कई बार यहाँ पे डिफरेंस इक्वेशन आपको पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उस डिफरेंस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है यानी कि फैमिली ऑफ कर्व है, उन फैमिली ऑफ कर्व को ये वाले फैमिली ऑफ कर्व क्या करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो ये तो बात होगी कार्टेशियन फॉर्म में, अभी एग्जांपल से आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। अब अपन पोलर फॉर्म में बात करें तो पोलर फॉर्म में अगर कोई कर्व है उसके कोऑर्डिनेट अगर आर कॉमा थीटा है तो ये वाला एंगल अपन थीटा बनता है और यहाँ पे जो एंगल फाई है वो इस पॉइंट पे आपने क्या करा, टेंजेंट लाइन खींचा, इस टेंजेंट के और जो रेडियाई वेक्टर है इसके बीच का जो एंगल है उसको मैं फाई बोल रहा हूँ। क्या ना, फाइव इज एंगल बिटवीन टेंजेंट लाइन एंड रेडियस वेक्टर। तो एक रिलेशन होता है टेन फाइव इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी आर, ये आपको ध्यान रखना है कि टेन फाइव इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी आर। इसका कई बार यूज हो जाता है पर मोस्टली अपन यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, तो बट इन पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूज होता है, बट ये थोड़ा सा सिंपल आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बता दिया। अब आगे अपन बात करें कि इसमें अपन कैसे निकालेंगे वर्किंग रूल, कि फाइंड डिफरेंस इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। आपको कोई फैमिली ऑफ कर्व दे रखा गया उसका डिफरेंस इक्वेशन निकालना होगा या आपको डायरेक्ट डिफरेंस इक्वेशन गिवन होगा तो वहां पे कोई टर्म आ रही होगी आर डी थीटा बाई डी आर, इसको आपको रिप्लेस करना है माइनस का वन अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा, इसे रिप्लेस करेंगे। या मैं बोल सकता हूँ कि डी आर बाई डी थीटा को आप क्या कर दो, माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर से रिप्लेस कर दो। अब ये जो इक्वेशन आएगी, नाउ इंटीग्रेट टू ऑब्टेन डिफरेंस इक्वेशन गिव्स ऑर्थोनॉर्मल ट्रेजेक्टरी। अब इस डिफरेंस इक्वेशन को आप अगर इंटीग्रेट करते हैं तो अपने को ऑर्थोनॉर्मल ट्रेजेक्टरी मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि अपने को अगर कार्टेशियन फॉर्म दे रखी होती है तो उसमें तो डी वाई बाई डी एक्स को माइनस का डी एक्स बाई डी वाई पुट करना है, और अगर पोलर फॉर्म दे रखी होती है तो उसमें डी आर बाई डी थीटा को अपन क्या पुट कर सकते हैं, माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, ये अपन को पुट करना है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें कोई फर्क नहीं क्योंकि इस आर को आप इधर ले जाओगे तो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर ही बन जाएगा, तो डी आर बाई डी थीटा की जगह माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर पुट करना है, और अगर आर डी थीटा बाई डी आर दे रखा हो तो उसको माइनस का वन अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा पोलर कोऑर्डिनेट में। इन दोनों को चेंज करेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगी, ऑर्थोनॉर्मल ट्रेजेक्टरी मिलेगी। मोस्टली क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा, बाकी जो चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि कहीं कोई मीनिंग पूछा जाए, कोई स्टेटमेंट का क्वेश्चन आए कि इसमें इसका मतलब ये होता है तो आप उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाओ। बाकी ऑर्थोनॉर्मल ट्रेजेक्टरी निकालने के दोनों मेथड आपको समझ आने चाहिए, ठीक है। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, यू फाइंड द ऑर्थोनॉर्मल ट्रेजेक्टरी ऑफ द हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल्स टू ए और वेयर ए बीइंग पैरामीटर। आपको अब देखो यहाँ पे डिफरेंस इक्वेशन नहीं देना, मैं बोला ना कई बार डिफरेंस इक्वेशन आपको नहीं देता है, तो यहाँ पे डिफरेंस इक्वेशन नहीं है तो सबसे पहले अपन डिफरेंस इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसमें डी वाई डी एक्स को माइनस कर डी एक्स बाई डी वाई पुट करेंगे, फिर अपन इंटीग्रेशन करेंगे और अपन ऑर्थोनॉर्मल फैमिली ऑफ कर्व निकाल देंगे। अब देखो यहाँ पे इसने लिखा फाइंड ऑर्थोनॉर्मल ट्रेजेक्टरी ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। इस हाइपरबोला के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि इसमें एक ही क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। तो जब एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंस एक बार करेंगे तो इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या बनेगा, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक एलिमिनेट होता है। अब अपने इसको क्या कर दिया, a को एलिमिनेट कर दिया, यहाँ से अपने पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आती है वो कुछ ऐसे निकल के आती है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का y बाई एक्स। तो बोला ना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये जो इक्वेशन एक है वो अपने पास क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ सेकंड स्टेप पे अपन क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज रिप्लेस बाई माइनस का डी एक्स बाई डी वाई। अब माइनस का डीएक्स बाई डी वाई इसमें पुट कर देंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, माइनस का डीएक्स अपॉन डी वाई विच इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये आ गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, ऑर्थोनॉर्मल ट्रेजेक्टरी मिलेगा। इसको इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स डी एक्स, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी। तो ये क्या आ गया, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या आ गया फॉर्म, मतलब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। और आपको पूछे कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी देने वाला इक्वेशन बताओ, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या देगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी देगा। किस इक्वेशन के लिए देगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए, जो भी कर्व होगा उसको ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा वो क्या करेगा, ऑर्थोगोनल कट करेगा। तो इतनी बात। अब एक चीज आप सोच सकते हैं कि ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी किसका है, हाइपरबोला का है, और ये वाला भी किसका आ रहा है, हाइपरबोला का है। तो इसका मतलब उस हाइपरबोला को ये वाला हाइपरबोला क्या करेगा, 90 डिग्री पे कट करेगा। कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम बनता है, अगर आप देखेंगे ऐसे पैराबोला बनता है ये वाला, और जो उसको दूसरा वाला पैराबोला कट करेगा वो कुछ इस प्रकार से 90 डिग्री कट करते हैं, ये वाला ऐसे 90 डिग्री कट करते हैं आपस में,
ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनेगा। अपन यहाँ पे ज्योमेट्री पूरी अच्छे से दिखा नहीं पा रहे, पर अगर आप मैथमेटिकल सारे टर्म को लेकर देखेंगे तो ये 90 डिग्री पे कट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये वाला एक्स वाई इक्वल्स टू ई क्या है, ये रेक्टेंगल हाइपरबोला है, तो ये भी हाइपरबोला है। इस हाइपरबोला की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये वाली है, और इस हाइपरबोला की जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये वाला है, और इसका सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है, ये वाला आता है। तो ये दोनों हाइपरबोला एक दूसरे क्या करते हैं, ऑर्थोगोनल क्या करते हैं, कट करते हैं। तो अपने पास जो गिवन जो कर्व था उसकी जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आ रही है वो आ रही है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी, और इसके डिफरेंशियल इक्वेशन पूछे तो आप ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन बता सकते हो। और कई बार आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट गिवन होगी, जब डायरेक्ट गिवन होती है तो आप डीवाई बाई डी एक्स को माइनस कर डीएक्स बाई डीवाई पुट कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं गिवन होती है, इक्वेशन गिवन होती है, तो आप उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। अब अपने एक एग्जांपल और करते हैं कि पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एक्स प्लस ए इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। सेल्फ ऑर्थोगोनल बोलने का मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन ऑफ कर्व आएगा ना उसी में से कोई एक कर्व ऐसा होगा जो इसके सॉल्यूशन कर्व को 90 डिग्री पे कट करता है। अब देखो पहली बात तो इसमें एक ए ही पैरामीटर अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन नहीं है, तो यहाँ पे अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अपन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। ऐसे बोल सकता हूँ मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी विल गेट टू वाई डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, अपन बोल सकते हैं कि फोर है, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टू ए। अपना मेन काम क्या है, इस इक्वेशन एक से और इक्वेशन दो से ए को एलिमिनेट करना है। जैसे आप ए को एलिमिनेट करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, या ए की वैल्यू ये पुट कर सकता हूँ मैं टू ए की जगह, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन टू इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और अपॉन टू। इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास निकल के जाता है, अब ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, सपोज दैट ये वाली अपने के पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनेगी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने पे अपने पास ये निकल के आता है, ठीक है। अब जैसे देखो ये क्या है, गिवन पैराबोला है, उसकी मैं समझ सकता हूँ क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अपना क्वेश्चन वैसे तो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, इस इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, dy by dx को रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस का dx by dy। अब देखो अपन को कैसे पता चलेगा सेल्फ ऑर्थोगोनल, पहली बात तो ये कि अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो अपने को एक fxy c इक्वल टू फैमिली ऑफ कर्व मिलता है। अब अगर इसमें आप dy by dx की जगह माइनस का dx by dy पुट कर देते हैं और सेम डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, तो दो डिफरेंशियल इक्वेशन सेम होगी तो दोनों का सॉल्यूशन भी तो सेम ही आएगा, तो अपने से बोल सकते हैं कि दोनों कर्व कैसे हो गए, सेल्फ ऑर्थोगोनल हो गए। अब पहली बात तो ये कि यहाँ पे इसने पैराबोला दिया है और पैराबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन अपन ने निकाला है, इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, अपन ने एक बार डिफरेंशिएट करा और ए को एलिमिनेट करने के लिए अपन इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए यहाँ पे ए को एलिमिनेट कर दिया, तो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब अपने को दिखाना है सेल्फ ऑर्थोगोनल, इसकी फैमिली ऑफ कर्व आ जाएगी। अब आप जैसे आप डीवाई बाई डी एक्स को माइनस का डी एक्स बाई डी वाई पुट करेंगे तो यहाँ पे डीवाई बाई डी एक्स की जगह माइनस का डी एक्स बाई डी वाई पुट कर दीजिए, तो अपने पास इक्वेशन बन के आ जाती है कुछ ऐसे बन के आएगी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टू एक्स वाई माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस का डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर। अब ये वाला होल स्क्वायर लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो सेम टू सेम वापस से बन जाएगा, यानी कि इसको वापस ऐसे लिखेंगे तो इसको मैं ऐसा ही लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि देखो ये स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा डी वाई बाई डी एक्स के, तो एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बच जाएगा, ये वाला चला जाएगा और प्लस क्या आ गया, वाई स्क्वायर पी स्क्वायर। कैसे है वाई स्क्वायर पी स्क्वायर, क्योंकि ये वाला टर्म इधर जाएगी, यहाँ पे माइनस का साइन है, इधर जाके प्लस का बन जाएगा, ये ऑलरेडी प्लस का रहेगा, तो ये तो सिंपल वाई स्क्वायर बच गया, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया और इन दोनों टर्म को एक साथ लिख दिया। तो जैसे आपने डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस का डी एक्स बाई डी वाई पुट करा, तब भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी वैसे बोल सकते हो कि इक्वेशन तीन एंड इक्वेशन चार, इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर आर सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ऐसे देखा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन की जो कर्व आती है इसके अपने को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए अपने डीवाई बाई डीएक्स को माइनस का डीएक्स बाई डीवाई पुट करा और वापस ये इक्वेशन आ गया। अब अपन को यहाँ पे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, अपने को ये पता चल गया, वो पूछता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बताओ तो अपन बता देते, वरना इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सोल्व करते तो अपने पास एक कर्व आता है एफ एक्स वाई सी टू इक्वल टू जीरो, और ये एफ एक्स वाई इक्वल टू सी टू एंड एफ एक्स वाई इक्वल टू सी वन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि दोनों सेम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो यहाँ से पता चल गया कि ये जो पैराबोला है वो सेल्फ ऑर्थोगोनल है, और सेल्फ ऑर्थोगोनल बोलने का मतलब है कि इसी का कोई कर्व है वो इसी के कर्व को क्या करता है, ऑर्थोगोनल कट करता है। तो इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए कि ये जो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए इंटू एक्स प्लस ए सेल्फ ऑर्थोगोनल, सेल्फ ऑर्थोगोनल बोलने का मतलब
इसी का कोई कर्व है वो इसी को 90 डिग्री पे कट करते हैं। वो अपन को कैसे पता चला, अपने को पता ऐसा चला कि अपन इस पैराबोला की डिफरेंशियल इक्वेशन पुट कर लिख ली और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे आप dy / dx की जगह माइनस का dx / dy पुट करते हैं और फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन सेम निकल के आती है। इसका मतलब दोनों का सॉल्यूशन सेम होगा तो दोनों की फैमिली ऑफ कर्व भी सेम आएगी, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं और सेल्फ ऑर्थोगोनल कट करते हैं। तो ये तो क्या होगी, कार्टेशियन फॉर्म में आपने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकाला, वो सारे क्वेश्चन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के इसी मेथड से सॉल्व होंगे, नया कोई भी मेथड नहीं लगेगा। अब अपन पैरा जो पोलर फॉर्म है उसमें कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट कि फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द कार्डियड, अपने को कार्डियड का इक्वेशन दे रखा है और ए बिंग पैरामीटर, तो सबसे पहले तो आपको ए को गायब करना पड़ेगा, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी और उसमें अपन डी आर बाई डी थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखो अपन ने इसमें एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैं कर दिया डी आर बाई डी थीटा विच इज इक्वल्स टू, मैं क्या बोल सकता हूँ ए इंटू साइन थीटा। अब मेरे पास एक इक्वेशन तो ये है, एक इक्वेशन ये, इससे मेरे को ए को एलिमिनेट करना है तो बहुत सिंपल सा काम हो जाएगा और मेरी इक्वेशन निकल जाती है आर डी थीटा बाई डी आर विच इज इक्वल्स टू वन माइनस का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये इक्वेशन मेरे पास किसके आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, आर डी थीटा बाई डी आर इज रिप्लेस बाई माइनस का वन अपॉन आर डी थीटा बाई डी आर। क्यों, अब देखो यहाँ पे मैं बोला ना इक्वेशन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है बट यहाँ तक अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन पहले बनानी पड़ रही है। आपको बोला कि कार्डियड दे रखा है इसे ए एलिमिनेट कर, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब आर डी थीटा बाई डी आर को माइनस का वन अपॉन आर डी थीटा बाई डी आर पुट करेंगे तो अपने पास जो इक्वेशन बन जाती है माइनस का वन अपॉन आर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल्स टू वन माइनस का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इस डिफरेंस को सिंप्लीफाई करना है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, आपको पता ही कि टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू या टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, कोस थीटा से कैंसिल इक्वल टू क्या बन जाएगा टेन थीटा बाई टू, सॉरी ये टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बनेगा तो टेन थीटा बाई टू बन गया। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस का टेन थीटा बाई टू डी थीटा। अब अपन क्या करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बहुत सा सिंपल सा काम है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो अपने पास क्या मिलेगा लॉग आर आ जाएगा और टेन थीटा का क्या बन जाता है लॉग सेक थीटा बाई टू बन जाता है और थीटा बाई टू का टू ऊपर चला जाएगा तो लॉग आर इज इक्वल्स टू टू लॉग कोस थीटा बाई टू प्लस लॉग सी कर दिया मैंने। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि कैसे अपन कर रहे हैं, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो आर इज इक्वल्स टू सी कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, या इसको और सिंप्लीफाई करो तो लिख सकते हो आर इज इक्वल्स टू सी बाई टू वन प्लस कोस थीटा, या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ तो बोल सकता हूँ आर इक्वल्स टू सी वन इंटू वन प्लस कोस थीटा। तो ये किसके कब आ गया, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो ये अपने जो गिवन फैमिली थी कि कार्डियड था उसका अपने क्या निकाल लिया, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकाल ली। आपको गिवन इक्वेशन थी आर इक्वल्स टू ए इंटू वन माइनस का कोस थीटा, सबसे पहले अपने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली जिसमें अपन ने आर डी थीटा बाई डी आर को माइनस का वन अपॉन आर डी थीटा बाई डी आर से रिप्लेस कर दिया और अपने पास जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन आती है उसको अपने सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन करा तो अपने पास फैमिली ऑफ कर्व निकल जाते हैं, दिस इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। अब आपको वो क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द दिस कर्व, तो आप डायरेक्ट आंसर कर देंगे, कई बार ये इक्वेशन दे देगा यहाँ पे ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन की इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री बताओ तो इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री भी यही आ जाएगी। तो वर्किंग रूल है जो मेथड आपको पता होना चाहिए, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आप इजीली निकाल पाएंगे। एक एग्जांपल जो कि बहुत फेमस है, हर एग्जाम में पूछाने के चांसेस भी रहते हैं और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ आर की पावर एन ए की पावर एन को सेंड करता है। सबसे पहले तो इसके अंदर ए की पावर एन क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसको अपन ए की पावर एन को एलिमिनेट करके इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करने के लिए अपन लॉग वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ए पैरामीटर है तो अपन बोल सकते हैं कि टेकिंग लॉग एंड डेरिवेटिव, टेकिंग लॉग बोथ साइड एंड डिफरेंशिएट, तो अपन क्या बनेगा ये एन लॉग आर, ठीक है, और n log r विच इज इक्वल टू, फिर अपन आगे क्या बन जाएगा n log a प्लस log cos n थीटा, क्योंकि log m इंटू n log m प्लस n बन जाता है। अब इसका अपन r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो n 1 बाई आर डी आर, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dr बाई डी थीटा, इस वाले टर्म तो कॉन्स्टेंट है तो जीरो बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा log cos n थीटा का तो 1 अपॉन cos n थीटा, cos n थीटा का माइनस का sin n थीटा और साथ में n आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि n 1 अपॉन r dr बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का n tan n थीटा, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर गिवन कर्व।
ये जो कर्व है इसकी डिफरेंशिएशन ये आ गई। अब अपन क्या करेंगे, एक ही काम करते हैं अपन, डी आर बाई डी थीटा या वन अपॉन आर डी आर बाई थीटा, डी आर बाई थीटा को रिप्लेस किससे कर देंगे, माइनस का आर स्क्वायर, डी थीटा बाई डी आर से रिप्लेस करेंगे तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, डी आर बाई डी थीटा अपन ये पुट करते हैं और अपन इसके वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो अपने पास निकल कर आता है डी आर अपॉन आर विच इज इक्वल्स टू कोट एन थीटा और डी थीटा। अब एक चीज़ देख लो, यहाँ पे ये एन से एन तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और वैसे भी देख लो तो, और माइनस का पुट करेंगे तो माइनस का आर डी थीटा बाई डी आर ही पुट कर देते हैं ना, इक्वल्स टू माइनस का टेन थीटा, अब माइनस का माइनस कैंसिल, ये डी आर अपॉन आर टेन थीटा चल जाएगा तो कोट एन थीटा, तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी डी आर बाई आर इक्वल्स टू कोट एन थीटा डी थीटा। अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग, तो अपने पास क्या बनेगा, वन अपॉन आर का लॉग आर, कोट का क्या हो जाता है, लॉग साइन बन जाता है, तो लॉग साइन एन थीटा और एन थीटा का एन चला जाएगा नीचे प्लस लॉग अपना सी बन जाएगा, या सिंपल सी बोल सकते हो, सिंपल सी बोल दो फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस सिंपलाइज क्या बन जाएगा, ये एन इधर मल्टीप्लाई होगा तो एन लॉग आर इक्वल्स टू क्या बनेगा, लॉग साइन एन थीटा प्लस लॉग सी। यहाँ से इसने से लिख सकते हैं कि लॉग आर की पावर एन माइनस लॉग साइन एन थीटा इक्वल्स टू लॉग सी, या ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि आर की पावर एन अपॉन साइन एन थीटा और इधर लॉग है इक्वल्स टू लॉग सी है। दिस सिंपल है, अपन ऐसे बोल सकते हैं कि लॉग कैंसिल तो आर की पावर एन इक्वल्स टू सी साइन एन थीटा। ये अपने पास क्या आ गया, फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आ गई, और सम टाइम वी कैन रिटर्न आर की पावर एन इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन एन थीटा। ये कॉन्स्टेंट को चेंज कर दिया, स्टैंडर्ड बुक में या कहीं पे आपको बी स्क्वायर मिल जाएगा, वो क्या करता है सी की वजह लोग बी स्क्वायर पुट कर देता है, यहाँ पे लोग बी स्क्वायर लेके चल लेते हैं, या अपने से बोल सकते हैं कि प्लस सी आता है तो सी को लोग बी स्क्वायर बोलेंगे। तो अपने पास जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकल के आती है आर की पावर एन इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन एन थीटा फॉर गिवन कर्व। ये जो कर्व था सबसे पहले आपने इसके ए को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला, क्योंकि इसमें देखो आपको कहीं पे भी डिफरेंशियल करने के बाद ए नहीं दिख रहा है तो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने डी आर बाय डी थीटा को माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर पुट कर सकते हैं, या बोल सकता हूँ कि आर जैसे बोल सकते हैं कि वन अपॉन आर डी आर बाय थीटा को माइनस का आर डी थीटा बाय डी आर अपन रिप्लेस करेंगे तो अपने पास जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आ जाती है वो ये वाली निकल के आती है। इसको अपन इंटीग्रेट करा और अपने पास क्या मिल गई, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री मिल गई। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के मैंने दो क्वेश्चन आपको कार्टेशियन फॉर्म के करें, दो पोलर फॉर्म के करें, सारे क्वेश्चन इसी मेथड पे इसी तरीके से होंगे जहाँ पे कहीं पे भी आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी हो। सो आई होप आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अब अपन बात करते हैं आगे रोंसकेन की ओर बढ़ते हैं। तो रोंसकेन तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें अपन लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट का यूज करेंगे। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन अपन लीनियर अलजेब्रा में कर चुके हैं और लीनियर अलजेब्रा में भी इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं कि कैसे अपन दो जो फंक्शन होते हैं उनका अपन रोंसकेन निकालते हैं। और मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा वाले क्लासेज में कुछ एक्स मोड एक्स और एक्स स्क्वायर इस तरह के फंक्शन भी बताए थे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट, तो वो वाली क्लास आप जरूर देखें। अब देखो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियर डिपेंडेंट कलेक्शन ऑफ फंक्शंस वाई वन वाई टू वाई एन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, इन फंक्शंस को अपन लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे या एलआई बोलेंगे इफ सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू सी एन वाई एन इक्वल टू जीरो, यानी कि फॉर सम कांस्टेंट रियल कांस्टेंट सी वन सी टू इक्वल टू जीरो, इफ सी वन सी टू सारे कांस्टेंट क्या आ जाएं जीरो आ जाएं अदरवाइज लीनियर इंडिपेंडेंट बनेंगे। तो ऐसा होता है तो अपन इसको क्या बोलते हैं एलआई बोलते हैं कि सी वन इक्वल टू सी टू सारे कांस्टेंट कैसे आने चाहिए जीरो, और अपन इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में ऐसा लिख पर तो अपन बोलते हैं कि ये जो फंक्शंस का जो कलेक्शन है y1 y2 yn ये सारे कैसे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब अगर आगे अपन बात करें कि द टू फंक्शन आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली वन फंक्शन इज कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द अदर, और ऐसा केस होता है तो अपन इनको क्या बोल देते हैं लीनियरली डिपेंडेंट भी बोल देते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अदरवाइज। कहने का मतलब यही है कि अगर आपने कोई फंक्शन दिए y1 y2 yn इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा और सारे कांस्टेंट अगर जीरो आ गए तो फंक्शंस कैसे बन जाएंगे लीनियर इंडिपेंडेंट। अगर ऐसा लिख पा रहे हैं और कोई फंक्शंस आपके सपोज दैट सी आर नॉट इक्वल टू जीरो फॉर सम आर और कोई कांस्टेंट कैसा नहीं है जीरो नहीं है तो ऐसे कैसे अपन उसको क्या बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे। और दो फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे अगर वो एक दूसरे की क्या है कांस्टेंट मल्टीपल है। टू फंक्शन आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली वन फंक्शन इज ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द अदर, सेम कॉन्सेप्ट अपन ने एक्स मोड एक्स और एक्स स्क्वायर को प्रूफ करने के देखा था कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप
पॉजिटिव एक्सेस पे जाते हो तो दोनों एक दूसरे के वन के मल्टीपल हैं, नेगेटिव एक्सेस पे जाते हो तो माइनस वन के मल्टीपल हैं। अपने को सेम कॉन्स्टेंट थ्रू आउट नहीं मिलता है, तो अपने बोला था कि एक्स मॉड एक्स एंड एक्स स्क्वायर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर दो फंक्शन लीनियर डिपेंडेंट होंगे, अगर वो एक दूसरे के क्या है, कॉन्स्टेंट मल्टीपल हैं या स्केलर मल्टीपल हैं, तो ये तो बात होगी लीनियर डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट की। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन वाई वन इक्वल टू एक्स एंड थ्री एक्स आर कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये इसके अंदर मल्टीपल है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वाई टू इक्वल्स टू थ्री वाई वन है जो कि तीन गुना इसका है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। अब रोन्सकीयन क्या होता है, रोन्सकीयन ऑफ एन फंक्शन, अगर आपके पास वाई वन वाई टू वाई एन एन फंक्शन है, इज डिफाइन एज रोन्सकीयन ऑफ वाई वन वाई टू वाई एन इज इक्वल्स टू, आप अपने इसको क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स निकालेंगे और उसका डिटर्मिनेंट लेंगे कि वाई वन वाई टू वाई एन वाई वन डेज, यहाँ पे पहले तो सिंपल फंक्शन, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, अप टू एन माइनस वन डेरिवेटिव, और यहाँ पे फंक्शन जो भी आप ले रहे हैं वो क्या होने चाहिए, एन माइनस वन तक डिफ्रेंशिएबल होने चाहिए। अगर डिफ्रेंशिएबल नहीं होंगे तो कोई रो जीरो बन जाएगी, कोई रो जीरो बन जाएगी, तो फंक्शन का जो रोन्सकीयन वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के अगर एक रो जीरो जाती है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। तो इसलिए जो भी फंक्शन आप लेते हैं वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंशिएबल होने चाहिए। तो अगर एन फंक्शन है तो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स बनेगी और उसका डिटर्मिनेंट अपन निकालेंगे, तो वाई वन वाई टू वाई एन, वहाँ पर वाई वन डेज, वाई टू डेज, वाई एन डेज, एन माइनस वन डेज तक अपनी चलेगी और ये एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स बनती है, इसका अपन को डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो यही क्या होता है, रोन्सकीयन डिफाइन करते हैं अपन किसी वाई वन वाई टू वाई एन एन फंक्शन का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रोन्सकीयन की कुछ प्रॉपर्टी है कि अगर y1, y2, yn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उनका रोन्सकीयन हमेशा क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। अगर फंक्शंस लीनियरली डिपेंडेंट है तो उनका रोन्सकीयन क्या आएगा, जीरो आएगा। और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर फंक्शंस का रोन्सकीयन जीरो है तो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, अगर रोन्सकीयन नॉन जीरो है तो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है रोन्सकीयन की कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है, लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है, रोन्सकीयन जीरो कब होता है, नॉन जीरो कब होता है। ठीक है, तो जीरो होगा तो लीनियरली डिपेंडेंट, नॉन जीरो होगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और कोई दो फंक्शन है एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है तो लीनियर डिपेंडेंट हो जाते हैं और रोन्सकीयन अपन ऐसे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए कि एक्स और एक्स ई की पावर एक्स है, आपको पता है कि एक्स ई की पावर एक्स इज नॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ, नॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ एक्स, आपको पता है कि दोनों फंक्शन एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है, तो वी कैन से दैट एक्स एक्स ई की पावर एक्स इज एल आई आर एल आई। ये दोनों एक दूसरे के फंक्शन कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन है, क्योंकि अपन को पता है कि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है, स्केलर मल्टीपल होते तो अपन बोलते हैं दोनों फंक्शन कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है। जैसे तो इसका मतलब एक्स और एक्स ई की पावर एक्स कैसे हैं, एल आई फंक्शन है। ठीक है, आगे देखो कि वन एक्स एक्स स्क्वायर, तो अपन को रोन्सकीयन निकालना है वन एक्स एक्स स्क्वायर। ये तो सिंपल है, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो मैं इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, पर आगे अपन एक दो एग्जांपल के बाद इसकी जो कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है वो अपन देखेंगे। जैसे वन एक्स एक्स स्क्वायर, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो, इसका डेरिवेटिव वन एक्स स्क्वायर का अपन के पास आ जाएगा टू एक्स। अब नेक्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो जीरो टू, क्योंकि वाई, ये तो देखो वाई वन वाई टू वाई थ्री, वाई वन डेज वाई टू डेज वाई थ्री डेज, वाई वन डबल डेज वाई टू डबल डेज वाई थ्री डबल डेज। अगर आपने तीन फंक्शन लिए हैं तो अपने पास पता है कि तीन क्रॉस तीन की मैट्रिक्स बनेगी, तो सेकंड ऑर्डर तक फंक्शन कैसे होने चाहिए, डिफरेंशिएबल होने चाहिए, और ये गिवन फंक्शन कैसे हैं, डिफरेंशिएबल है। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो अपने पास निकल के जाता है टू विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अपने से बोल सकते दिस इंप्लाइज वन एक्स एक्स स्क्वायर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसकी डायगोनल एंट्री हो जाएगी और डायगोनल एंट्री इसकी क्या है, टू नॉट इक्वल टू जीरो। तो वन एक्स एक्स स्क्वायर कैसे है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन है। अब आगे अगर वन एक्स टू एक्स माइनस का थ्री का निकालें तो रोन्सकीयन ऑफ वन एक्स टू एक्स माइनस का थ्री निकालेंगे, तो सबसे पहले स्टेप में तो वन एक्स टू एक्स माइनस का थ्री, फिर जीरो वन टू और जीरो जीरो। अब इस केस में रोन्सकीयन क्या निकल के जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि अगर वो जीरो बन गई दिस एम्प्लाइज अपने से बोल सकते हैं कि वन एक्स टू एक्स माइनस का थ्री आर लीनियरली डिपेंडेंट। और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आप टू एक्स माइनस का थ्री को इन दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हो, अगर ये वाई वन है, ये वाई टू है, ये वाई थ्री है, तो अपने से बोल सकते हैं कि वाई थ्री इज इक्वल्स टू टू वाई टू माइनस का थ्री वाई वन। बस हो गया काम, तो आपने क्या कर दिया, वाई थ्री को वाई टू और वाई वन के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया। दिस इम्प्लाइज वाई वन वाई टू वाई थ्री आर लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि आपने वाई थ्री को इन दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा है, तो वाई थ्री फंक्शन इन दो के रूप में एक्सप्रेस हो रहा है, तो ये पूरे फंक्शन वाई वन वाई टू वाई थ्री कैसे बन जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल अपने लीनियर अलजेब्रा में खूब सारे सोल्व करें, तो वहाँ से भी आप इस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो। बट यहाँ पे रोन्सकीयन का कॉन्सेप्ट बताना जरूरी था, तो रोन्सकीयन का कॉन्सेप्ट यही है कि ये तो अपन ऐसे तो रोन्सकीयन डिफाइन करते हैं, इस टाइप से रोन्सकीयन को अपन डिफाइन करेंगे, और ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है कि रोन्सकीयन जीरो है तो फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट, और रोन्सकीयन अगर नॉन जीरो है तो फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं।
और ये अपन इसके एक दो एग्जाम्पल देखें। अब मैं आपको थोड़ी सी एक दो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा बता देता हूँ उसमें, कि अगर आपने सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखा होगा तो उसमें अपन जनरल फॉर्म ऐसा लिखते हैं कि सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म ऐसा लिखेंगे कि ए जीरो एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन डी वाई डी एक्स प्लस ए टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो और एक्स बिलोंग्स टू ए बी। और ये जो फंक्शन ए जीरो एक्स कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। और ए जीरो ए वन ए टू सारे फंक्शन कहते होते हैं कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। इज जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर ओडी, ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की है। सो आई होप आपको ऑर्थोनल ट्रेजेक्ट्री का पीछे रोंसकन की बातें समझ आ रही होगी। अगर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें थी इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड अपन देख रहे हैं। तो ये तो क्या जनरल फॉर्म है किसी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। इसको अपन ऐसा भी देख सकते हैं कि जब ए जीरो नॉट इक्वल टू जीरो तो अपन ए जीरो से सबको डिवाइड कर देते हैं, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन अपॉन ए जीरो डी वाई डी एक्स प्लस ए टू अपॉन ए जीरो वाई इक्वल टू जीरो। ये अपनी क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ये वाली इक्वेशन बन जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको ऐसा लिखा तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसको मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ ना, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। जब आपको पता है ए जीरो ए वन ए टू सारे कंटिन्यूस हैं, ए जीरो नॉट इक्वल टू जीरो है तो ए वन अपॉन ए जीरो भी कंटिन्यूस होगा, ए टू अपॉन ए जीरो भी कंटिन्यूस होगा, यानी कि पी एक्स भी कंटिन्यूस होगा और क्यू एक्स भी कंटिन्यूस होगा। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू जीरो विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विल हैव टू लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बिकॉज इसका ऑर्डर दो है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दो सॉल्यूशन होंगे वाई वन और वाई टू जो कि लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं। अब इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू। अब इन y1 y2 को अपन रोज के निकालना होगा, तो अपन ऐसे निकालेंगे ना, रोज के नाव y1 y2 y1 y2 y1 डेस y2 डेस, तो y1 y2 डेस माइनस y1 डेस y2। अब ये तो क्या है कि आपके फंक्शंस दे रखे हैं, अगर आपको किसी पॉइंट पे रोज के निकालना हो तो रोज के नाव y1 y2 एट x0, यानी कैसे बोल सकते हैं उसको पढ़ेंगे से, रोज के नाव y1 y2 एट पॉइंट x0। तो अपन क्या करेंगे, y1 एट x0 इनटू y2 डेस एट x0 माइनस y2 एट x0 इनटू y1 डेस एट x0। तो इस टाइप से अपन किसी भी पॉइंट पे क्या निकाल सकते हैं, रोंस के निकाल सकते हैं फॉर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। अगर सॉल्यूशन आपको पता हो y1 y2 तो आप इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सॉल्यूशन आएंगे उसका रोंस के निकालेंगे और किसी पॉइंट पे रोंस के अपन इस टाइप से डिफाइन करते हैं। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी थी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए रोंस के निकालने की। इतनी बात आपको समझ आ रही है। अब एक आबेल फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या करता है कि अगर किसी पॉइंट पे आपको रोंस के पता है तो आप अदर पॉइंट पे कैसे निकालेंगे। जैसे लेट y1 y2 बी any two solution of y double dash plus pxy dash plus qxy equal to 0, x belongs to ab and p and q are continuous differentiable function are continuous। अब आपको क्या कर दिया कि दो सॉल्यूशन दे दिए y double dash plus pxy dash plus qxy equal to 0 के और x आपको ab में बता दिया। तो अपन Wronskian किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे, Wronskian of y1 y2 at point x is equals to Wronskian of y2 at point x0 into e raised to the power x0 से x pt dt। और यहां पे अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वी हैव गिवन Wronskian of y1 y2 एट x0। आपको फंक्शंस के y1 y2 के सॉल्यूशन है तो उनका Wronskian आपको x0 पे वैल्यू पता है तो वो आप यहां पे पुट करेंगे। और किसी पॉइंट पे निकालना है तो जिस पॉइंट पे वैल्यू पता है उस पॉइंट से लेके जिस पॉइंट पे निकालना वहां तक आप लिमिट पुट करिए और PTDT आपको यहां पे पता होगा। अब कई बार क्या होता है कि आपको किसी भी पॉइंट पे Wronskian गिवन नहीं होता है तो अपन Wronskian of ऐसे लिखते हैं, Wronskian of y1 y2 at x which is equals to c into e की पावर माइनस का pt dt। बस अगर आपको Wronskian किसी भी पॉइंट पे नहीं पता है पहले से तो आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए y1 y2 पता है p पता है तो आप Wronskian of y1 y2 at x ऐसा निकाल सकते हैं c e की पावर माइनस का pt dt। डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं जब आपको Wronskian किसी भी पॉइंट पे गिवन नहीं हो। जब आपको Wronskian किसी पॉइंट पे गिवन हो और किसी अदर पॉइंट पे Wronskian पूछे तो Wronskian of y1 y2 at x equals to Wronskian of y1 y2 at x0 e raised to the power minus x0 to x pt dt। ये आपको क्या किसी पॉइंट पे Wronskian गिवन है तब लगाएंगे। अगर नहीं दे रखा होता है फिर Wronskian पूछता है तो y1 y2 x c e की पावर माइनस का pt dt ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो ये आबेल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि किसी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आबेल फॉर्मूला और Wronskian में क्या रिलेशन होता है। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि Wronskian की मदद से अपन जो गिवन पॉइंट पर Wronskian है उसकी मदद से किसी अदर पॉइंट पर Wronskian कैसे निकालते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आबेल फॉर्मूला, ठीक है। अब इसकी और प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर Wronskian किसी पॉइंट पे जीरो है तो अपन क्या बोलते हैं फंक्शन कैसा है, लीनियर इंडिपेंडेंट। और Wronskian के खास होती है कि किसी एक पॉइंट पे जीरो हो गया तो सभी पॉइंट पे जीरो होगा थ्रू आउट पूरे इंटरवल। If Wronskian of y1 y2 at x0 equal to 0, then Wronskian of y1 y2 x equal to 0 for all x belongs to AB and y1 y2 are linearly dependent।
अगर किसी एक पॉइंट पे नॉन जीरो है तो सभी पॉइंट पे नॉन जीरो रहेगा पूरे इंटरवल पे, और फंक्शंस कैसे बन जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। तो और अगर अपन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं ना उनको अपन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन वैसे निकलते हैं, ऐसे लिखते हैं, और इसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो किसी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अगर आपको रोज के किसी पॉइंट पे जीरो मिल जाता है तो वो पूरे इंटरवल पे क्या होता है, उसके जीरो जाते हैं, और अगर किसी पॉइंट पे नॉन जीरो होता है तो पूरे इंटरवल पे क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। ये दो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी थी। जैसे मान लो कि अगर y1 y2 आर एनी टू सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश प्लस px y डैश प्लस qx y इक्वल टू जीरो, ये होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑक्स बिलोंग्स टू, इसके पास आपके पास दो सॉल्यूशन है, देन फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब कि अगर रोज के नॉन जीरो है, y1 y2 at x0 नॉन जीरो फॉर सम x0 बिलोंग्स टू y, यानी कि इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे नॉन जीरो है तो अपन ऐसे बोलेंगे रोज के एट x नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू y, तो सभी पॉइंट पे क्या रहेगा, रोज के नॉन जीरो रहेगा। इस केस में अपने y1 y2 कैसे बनेंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट बनेंगे, और जब लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन को अपन एक सेट में लिखते हैं तो उसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस केस में y1 y2 इज फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन अपना बन जाएगा। तो अगर आपके पास y1 y2 दो सॉल्यूशन थे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के और आपने देखा कि किसी पॉइंट पे नॉन जीरो तो सभी पॉइंट पे नॉन जीरो, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और दे मेट फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। अगर यही सॉल्यूशन ऐसे होते कि y1 y2 आर टू सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश प्लस px y डैश प्लस qx y इक्वल टू जीरो, अगर किसी पॉइंट पे जीरो आ जाता तो अपन बोलते कि पूरे इंटरवल पे जीरो है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते, इज नॉट ए फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। इस केस में फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं बनाते। तो ये चार पांच प्रॉपर्टी आपको क्या रहेगा, कई बार स्टेटमेंट दे देगा कि रोज कैन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एट दिस पॉइंट इज जीरो, देन दे आर लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट, ऐसे पूछ सकते हैं। अब आप ये सोच के देख सकते हो कि किसी पॉइंट पे रोज कैन अगर जीरो हो गया तो वो सॉल्यूशन कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे रोज कैन जीरो हो जाएगा तो सभी पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, और सभी पॉइंट पे जीरो हो जाएगा तो फंक्शन कैसे बन जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएंगे। और आप ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का रोज के नॉन जीरो है तो आप बोल सकते हैं वो फंक्शन कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट पे नॉन जीरो है तो पूरे इंटरवल पे नॉन जीरो हो जाएगा, और पूरे इंटरवल पे नॉन जीरो हो जाएगा तो अपन लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल देंगे, फंक्शन कैसे सेट बना देंगे, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन बना देंगे फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो रोज के की ये सारी प्रॉपर्टी अगर आपको समझ आती है तो रोज के इक्वेशन आपका 100% कभी भी गलत नहीं होगा, आप उसके 100% क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे, क्योंकि यही बेसिक प्रॉपर्टी है। रोज के का मीनिंग क्या है, रोज के निकालते कैसे, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, अब अपन एक या दो क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं तो ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें फिर से घुस जाएगी। कि u डबल डैश t प्लस p t u डैश t प्लस q t u t इक्वल टू जीरो इज ए सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे y डबल डैश कर दो, यहाँ पे u दे दिया, t बिलोंग टू जीरो कॉमा वन दे दिया, देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूअस फंक्शन p t एंड q t डिफाइन ऑन जीरो कॉमा वन, कि p और t कैसे, q कैसे कंटिन्यूअस फंक्शन है, जीरो कॉमा वन पे डिफाइन है, एंड टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, कीप इन माइंड वी हैव गिवन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन u1 एंड u2 ऑफ गिवन OD, इस OD के दो सॉल्यूशन दे रखे हैं u1 और u2 जो कि कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, p और t कैसे हैं, कंटिन्यूअस हैं। तो अपन को पीछे की सारी बातें समझ आती हैं कि रोन्सकेन ऑफ u1 एंड u2 की, अब इसका रोन्सकेन किस टाइप से किया जाएगा। पहली बात तो ये कि इसका जो आपको u1 और u2 कैसे दे रखे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं सिंस u1 एंड u2 आर li सॉल्यूशन, जब ये li सॉल्यूशन होंगे तो आप इतना बोल सकते हो कि रोन्सकेन ऑफ u1 u2 नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए फॉर ऑल टी बिलोंग टू जीरो कॉमा वन। क्यों? क्योंकि अगर जीरो आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दे रखे हैं तो रोज के पूरे इंटरवल पे क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये बात आपने पॉइंट आउट कर लिया तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बोला इसका रोज किस टाइप से दिया जाएगा, पहला ऑप्शन देखिए कि रोज अगर ये होता तो आपको पता है कि टी इक्वल टू, जैसे मैं वन बाई टू पुट कर देता हूँ रोज किसी पॉइंट पर क्या बन जाते हैं, जीरो बन जाते हैं। इसमें साइन टू पाई टी है, जैसे मैं टी इक्वल्स टू वन जीरो पुट करता हूँ या वन बाई टू पुट करता हूँ तो रोन्सकेन जीरो बन जाता है, जो कि दोनों इस इंटरवल के अंदर लाई करते हैं, वन बाई टू इस इंटरवल में लाई करते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। कोस टू पाई टी है, टी इक्वल्स टू जैसे मैं वन बाई फोर पुट करता हूँ, ये वाला रोन्सकेन क्या बना देगा आपको, जीरो बना देगा, तो ये भी जीरो बन जाएगा, तो नॉट पॉसिबल। डब्ल्यू टी इक्वल्स टू वन यानी कि रोन्सकेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू वन फोर इंटरवल बिल्कुल पॉसिबल है, ये कभी भी जीरो नहीं है। और आपको पता है कि रोज के नॉन जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि यू वन और यू टू कैसे दे रखें, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दे रखें। तो क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, आंसर छोटा है, कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है। कॉन्सेप्ट तो यही है कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके यू वन और यू टू दो सॉल्यूशन है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसी बात से आपको पता चल गया कि फंक्शन के जो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब इसका रोज कैन कैसा रहेगा, नॉन जीरो रहेगा, पूरे इंटरवल पर रोन्सकेन नॉन जीरो रहेगा। तब आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें पूरे इंटरवल पर रोन्सकेन कैसा है, नॉन जीरो है, इसमें भी जीरो बना रहा है, इसमें भी जीरो बना रहा है, इसमें भी जीरो बना रहा है, एक ऐसा ऑप्शन ये वाला जिसमें रोन्सकेन कभी भी जीरो नहीं बन रहा।
अब आपको कई बार ऐसे पूछेगा कि क्या ये फंक्शन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का रोंसकन हो सकता है इस इंटरवल में, और इसके सॉल्यूशन कैसे हैं लीनियर इंडिपेंडेंट। तो आप चेक करेंगे कि उस इंटरवल में रोंसकन जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मान लो वो यहाँ पे ऐसे पूछ लेता कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैव टू लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल रोंसकन, तो आप बोलते यही पॉसिबल होगा क्योंकि सॉल्यूशन कैसे दे दिए, लीनियर इंडिपेंडेंट दे दिए। तो लीनियर इंडिपेंडेंट के केस में रोंसकन कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया। अगर ये वाला समझ में आ गया तो आपको रोंसकन की प्रॉपर्टी भी समझ आ गई। अब देखो कि पी टी इज ए डिफरेंशियबल फंक्शन एंड पी टी ग्रेटर देन जीरो, देन रोंसकन ऑफ पी टी वाई डैस का होल डैस प्लस क्यू टी वाई इक्वल टू जीरो। पहले तो इसको सोल्व करके लिखेंगे तो अपने पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आती है वो कैसे बनेगी, पी टी इंटू वाई डबल डैस प्लस पी डैस टी इंटू वाई डैस प्लस क्यू टी इंटू वाई इक्वल टू जीरो। तो सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका रोंसकन आपको गिवन नहीं है फिर भी रोंसकन पूछा, तो जब रोंसकन गिवन नहीं है तो अपन रोंसकन कैसे निकालेंगे, रोंसकन या रोंसकन ऑफ टी रोंसकन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस का पी टी डी टी, ये तो करते हैं। तो वैसे बोल सकते हैं कि अब यहाँ पे पी टी डी टी करते हैं एक चीज, वन सेकेंड, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होती है y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो, तो अपन रोंसकन क्या लिखते हैं, रोंसकन ऑफ x इक्वल्स टू अगर गिवन नहीं है तो c e की पावर माइनस का पी टी डी टी, ऐसा करते हैं। मैंने बताया था अगर गिवन नहीं होता तो आप ऐसे लिखेंगे, बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो इस फॉर्म की है तो इसको इस फॉर्म में बनाओ पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो बनेगी y डबल डैश प्लस पी डैश टी अपॉन पी टी वाई डैश प्लस क्यू टी अपॉन पी टी इंटू वाई इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो यहाँ पे जो अपन पी एक्स यूज करते हैं उसके जगह अपन क्या यूज करेंगे, पी डैश टी अपॉन पी टी, ये पूरा अपना क्या है पी एक्स है। तो इस केस में अपन रोंसकन कैसे लिखेंगे, रोंसकन रोंसकन डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस पी टी डी टी की जगह अपन क्या पुट करेंगे, पी डैश टी अपॉन पी टी डी टी। आपको पता है कि नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है तो वन अपॉन डी टी का लॉग बन जाएगा, तो यानी कि ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना, विच इज इक्वल्स टू सी ई की पावर माइनस का लॉग पी टी। अब ई की पावर माइनस का लॉग पी टी है तो ई और लॉग कैंसिल, ये पी टी की पावर माइनस का वन, ऐसा बोल सकता हूँ कि सी अपॉन पी टी। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि रोंसकन इज इक्वल्स टू सी अपॉन पी टी। जब कोई फंक्शन का रोंसकन किसी पॉइंट पे नहीं गिवन हो अदर पॉइंट पे पूछे तो अपन सी अपॉन पी टी कर देंगे, तो सी अपॉन पी टी करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया कि कैसे अपन रोंसकन सी अपॉन पी टी निकाला, क्योंकि पी टी डिफरेंशियल फंक्शन था, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने सोल्व करके ऐसे लिख दिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया पी एक्स आ गया। और आबेल फॉर्मूला अपन ये जानते हैं कि जब किसी पॉइंट पे गिवन होता है तो वाई वन वाई टू एट एक्स इज इक्वल्स टू रोंसकन ऑफ वाई वन वाई टू एट एक्स जीरो ए की पावर माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स जीरो टू एक्स पी टी डी टी कर देते हैं। जब किसी पॉइंट पे गिवन नहीं होता है तो अपन डायरेक्ट रोंसकन निकलते हैं सी ई की पावर माइनस का पी टी डी टी। ये वाला फॉर्मूला अपन ने यूज करा यहाँ पे, पी डी एस टी अपॉन पी टी अपन को पता है इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो लॉग बन जाएगा, ये पावर माइनस कर जाएगी, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं सी ई की पावर लॉग पी टी की पावर माइनस वन, तो लॉग कैंसिल आउट, तो सी अपॉन पी टी, तो रोंसकन क्या बन जाएगा सी अपॉन पी टी, तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये रोंसकन की प्रॉपर्टी है और जो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी प्रॉपर्टी है। अपने चार पांच एग्जांपल देखें, जैसे दो क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए, तीन चार पहले, लगभग सात आठ क्वेश्चंस और ये प्रॉपर्टी देखी है। इसमें अगर कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई प्रॉपर्टी की रोंसकन जीरो हो रहा है तो थ्रू आउट, इन सबके प्रूफ भी हैं जो मैंने यहाँ पे थ्योरम्स और नोट लिखे हैं, इनके सबके प्रूफ भी हैं, पर अपन को प्रूफ नहीं करने हैं आपको। ये प्रूफ बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है कि आप इनका रोंसकन लिखो किसी पॉइंट पे, उसको जीरो कर दो, फिर कोई भी पॉइंट पुट करोगे तो डेरिवेटिव लोगे तो जीरो बन जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो लोगे फिर भी कोई पॉइंट पुट करोगे तब भी नॉन जीरो बन जाएगा। इनकी प्रूफ भी कर सकते हैं बट वो उतना झमेला अपने को नहीं पालना है, इतने लिमिटेड टाइम में अपने को इस प्रकार से कवर करना है कि अपना सिलेबस भी हो जाए और अपने मार्क्स भी आ जाएं। तो इसलिए सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे नोट्स मेकिंग पैटर्न पे जो की पॉइंट्स मैंने आपको बताएं वो आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और इजीली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। और यही ट्रिक्स हैं, यही नोट्स हैं, तो सारी चीज़ें एक एक करके आप समझते रहेंगे। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। एंड आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू।